everyone, welcome in today's video. I am CS Akshi Jain, and as promised, I am back with another power packed analysis of company which is on a roller coaster ride since March 21. So the company is Green Panel Industry. Company furniture industry को belong करती है और MDF यानी कि medium density fiber में market leader है. Let's start with industry overview. सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री की. ग्लोबल फर्नीचर इंडस्ट्री 2020 में 509 बिलियन डॉलर की थी, जो कि 2027 तक 650 बिलियन डॉलर की हो जाने का एस्टीमेट है. रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी का मेन रीजन है कि फर्नीचर सेक्टर में भी डिमांड देखने को मिल रही है. एशिया पैसिफिक रीजन का ग्लोबल इंडस्ट्री में रेवेन्यू का शेयर 48% है, और एस्टीमेट है कि आगे ये शेयर और बढ़ता हुआ दिखेगा. ग्रोथ के मेजर ड्राइवर्स रैपिड अर्बनाइजेशन है, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिससे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट एशिया स्पेसिफिक रीजन में बढ़ा है, और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें चाइना और इंडिया में ही देखने को मिल रहा है. 2020 में COVID-19 पैंडेमिक के कारण मेजर कंट्रीब्यूशन रेसिडेंशियल एप्लीकेशन का रहा, हालांकि 2022 में फिर से कमर्शियल एक्टिविटीज से भी डिमांड देखने को मिल रही है. साथ ही नीश लग्जरियस फर्नीचर कैटेगरी भी ग्रेजुअली ग्रो हो रही है, जहां ऑर्गेनाइज प्लेयर अपने प्रोडक्ट को कैटर करते हैं. अगर ग्लोबल फर्नीचर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो 2020 से 26 तक इस इंडस्ट्री का 12.9% से ग्रो होने का एस्टीमेट है, जिसके मेजर ड्राइवर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर और पॉपुलेशन की बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम है. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फर्नीचर इंडस्ट्री. इंडियन फर्नीचर इंडस्ट्री का साइज 2020 में 55 बिलियन डॉलर का था, जो कि 13% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. वहीं अगर रेवेन्यू वाइज इंडस्ट्री को एनालाइज करें तो 2020 तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री रेवेन्यू 1.3 बिलियन डॉलर था, जो कि 10% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है, जिससे वो साइज बढ़कर 2025 तक 2.1 बिलियन डॉलर हो जाएगा. अगर ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, फॉलोड बाय जर्मनी, पोलैंड एंड USA. चाइना अलोन होल्ड करता है 37.5% मार्केट शेयर ऑफ द इंटायर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स. 2020 में कोविड पैंडेमिक के बाद से इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री में आई सडन ग्रोथ का एक बड़ा रीजन है. बहुत सारी कंपनी ने अपनी वर्किंग मेथडोलॉजी को चेंज किया है, जिससे वर्क फ्रॉम होम एक परमानेंट ऑप्शन बनकर उभर रहा है, जिससे फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. वहीं अगर प्रोडक्ट वाइज डिमांड की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल्स सोफा, स्टडी टेबल, चेयर्स, टेबल एंड बीन बैग्स की देखने को मिली है. इसमें भी स्टडी टेबल्स एंड टेबल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स में सबसे ज्यादा है. इंडियन वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी मार्केट 2021 में 2.2 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2026 तक 3.5 बिलियन डॉलर का हो जाएगा. लेट्स मूव टू कंपनी इंफॉर्मेशन. एक बार कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी एनालाइज करते हैं. ग्रीन पैनल MDF और MDF के अलाइड प्रोडक्ट्स की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है. MDF कैटेगरी में कंपनी का मार्केट शेयर 27% का है. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें MDF, वुड फ्लोर, प्लाईवुड, विनिल और डोर शामिल है. ग्रीन पैनल वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट MDF मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और एशिया में रैंक 4th है. ग्रीन पैनल के अलावा ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई एंड स्टाइलम भी इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है. ग्रीन पैनल का प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है. कंपनी ए ग्रेड क्वालिटी के प्रोडक्ट को मेंटेन करती है, जो कि पीयर से बेटर है. ग्रीन पैनल की MDF प्रोडक्शन इंस्टॉल कैपेसिटी मार्च 21 में 5,40,000 क्यूबिक मीटर थी. वहीं इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इस ड्यूरेशन में 14,80,500 क्यूबिक मीटर थी. अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड मतलब कि MDF बनाती है, जिसमें इंजीनियर्ड वुड शामिल है. वहीं कंपनी की MDF शीट स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली है. अगर हम MDF पर नजर डालें तो वो प्लाईवुड की तरह दिखाई देता है, एंड इसीलिए प्लाईवुड के सब्स्टिट्यूट में भी यूज किया जा सकता है. ये प्लाईवुड के कंपैरिजन में काफी सस्ता होता है, एंड इसकी फिनिशिंग भी प्लाईवुड से ज्यादा अच्छी होती है. मोस्टली रेडीमेड फर्नीचर्स में प्लाईवुड की जगह MDF ही यूज किया जाता है. ग्रीन पैनल इंटीरियर ग्रेड MDF, एक्सटीरियर ग्रेड MDF, काप P2 MDF एंड प्री लेमिनेटेड MDF बनाता है, जिसमें से इंटीरियर ग्रेड MDF वार्डरोब्स, वॉल पैनल, टेबल टॉप, टॉयज जैसी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है. एक्सटीरियर ग्रेड MDF इज़ आइडियल फॉर वाटर प्रोन एंड ह्यूमिड कंडीशंस, जैसे कि गार्डन टेबल, बालकनी चेयर्स एक्सेट्रा. काप P2 मोस्टली उन चीज़ों के लिए रिकमेंडेड होता है जहाँ हाइजीन एंड सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर्स, मॉड्यूलर किचन, TV यूनिट्स एक्सेट्रा. एंड लास्टली प्री लेमिनेटेड MDF, इट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर एरियाज वेयर डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, जैसे कि किचन कबर्ड्स एंड बाथरूम कैबिनेट. नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर द रीजन बिहाइंड द कंपनीज ग्रोथ. नंबर 1, राइजिंग पॉपुलेशन. नंबर 2, अर्बनाइजेशन. नंबर 3, डिमांड अराइजिंग ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड फर्नीचर. नंबर 4,
4 real estate growth, number 5 commercial growth and at last production linked incentive scheme. ये major reason है जिसके चलते हमें industry में growth देखने को मिल रही है. Company 15-18% से near future में grow करती हुई नजर आएगी जो कि industry average से काफी better है. Company का capex financial year 24 तक operationalize हो जाएगा जिससे company की income को एक boost भी मिलता हुआ दिखेगा. Let's talk about financial results now. Company का quarter 3 financial year 22 में strong growth achieve करी है जहां GDP के last quarter की growth 6.6% estimated थी, वहीं company के revenue में 34% की growth देखने को मिली है. Sales और profit में consistent growth देखने को मिल रही है, वहीं company का debt equity ratio gradually reduce हो रहा है जो कि future profitability को boost देता हुआ दिखेगा. हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पैट में 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है, बट पैट मार्जिन अभी भी 15% पर स्टेबल है. वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रिवेन्यू में 34% की ग्रोथ देखने को मिली है, इबिटा 64% से ग्रो हुआ है एंड पैट भी 107% से ग्रोथ देखने को मिली है. शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से अगर हम प्रॉफिटेबिलिटीज और वैल्यू प्रपोजिशन देखें तो फिगर्स और बेटर देखने को मिल रहे हैं. ईपीएस में 107% की ग्रोथ है, पोस्ट टैक्स आरओसी वेंट टू 22% फ्रॉम earlier level of 15.3% in quarter 3 financial year 21. ROE भी 28.3% हुआ है जो कि financial year 21 में 18% था. अगर overall देखें तो company के financial strong दिखाई दे रहे हैं. Revenue breakup देखें तो company का 78% revenue MDF से आता है, वहीं 21% revenue plywood और allied product से आता है. यहाँ product concentration risk साफ दिखाई दे रही है, company MDF पे highly dependent है. वहीं अगर market को देखें तो company का revenue में domestic share 88% है और remaining 12% export से आता है. Current quarter में MDF sales volume में marginally कमी आई है, volume 2.4% से कम हुआ है, वहीं operating margin 6.5% से बढ़कर 30.5% हो गया है. Plywood category में भी sales volume 2% से year on year reduce हुआ है, यहाँ margin में भी 4.8% की गिरावट देखने को मिली है. इस reduction का major reason बढ़ती हुई raw material cost है. Let's talk about shareholding pattern. Promoter की holding 53.1% है, वहीं FII की होल्डिंग एज ऑन 31st दिसंबर 21 3.7% है. म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग लास्ट 3 क्वार्टर से इंक्रीज कर रहे हैं. लेट्स गो थ्रू द पीयर एनालिसिस वंस. ग्रीन पैनल के कॉम्पिटिटर को देखें तो बड़े नाम उभर कर आते हैं जिसमें से सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई एंड स्टाइलम इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े प्लेयर है. मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सेंचुरी प्लाई सबसे बड़ी कंपनी है. ग्रीन पैनल 31 PE मल्टीपल के साथ एक्सचेंज पर ट्रेड कर रही है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 8.1% है जो कि इंडस्ट्री एवरेज 7 के करीब है. वहीं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% है जो कि पीयर से मार्जिनली ऊपर है, बट कंपनी अपने आप को ग्रेजुअली डीलिवरेज करती हुई दिख रही है. आरओसीई और आरओई फिगर्स इंडस्ट्री के एवरेज से वीक है, जहां इंडस्ट्री का आरओसीई 17% है वहीं कंपनी का आरओसीई 12% ही है. वहीं इंडस्ट्री का आरओई 15% है तो ग्रीन पैनल का आरओई 10.2% है सिर्फ. लेट्स टॉक अबाउट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नाउ. कंपनी का पूरा फोकस एमडीएफ को इवेंजलाइज करने के लेकर है. दे आर प्लानिंग टू मेक इट हाउसहोल्ड मटेरियल. वहीं कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है. कंपनी सैप नेटवर्क को यूज करते हुए इफिशियंट डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है. कंपनी एमडीएफ ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को इन्हांस करने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे और भी ज्यादा जोर दे रही है. ऑल्सो कंपनी सेप्टेम्बर 22 तक अपने आप को डेट फ्री बनाने का प्लान भी कर रही है. अगर हम कॉन कॉल स्क्रिप्ट को देखें तो कंपनी 55 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है जिससे वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगी और कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगी. एमडीएफ में यूज होने वाला मेजर रॉ मटेरियल वैक्स से कंपनी कुछ ऐसी मशीन इंस्टॉल कर रही है जिससे वैक्स के कंजम्पशन में 30% तक का रिडक्शन होगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ शेयर होल्डिंग वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए. साथ ही हमने ग्रीन पैनल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहां से डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं. एंड रिमेंबर, इस पूरी सीरीज को बनाने का हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है. इस पूरी सीरीज में हम कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं. विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. हम फिर हाजिर होंगे एक नई कंपनी को लेकर. गुड बाय.